टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। होली को देखते हुए मेरठ पुलिस द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हसनापुर के ग्राम लतीफपुर खादर क्षेत्र में पुलिस को लहन की सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस वहां पहुंची और मौके से बरामद लगभग 3000 लीटर लहन को नष्ट किया है। पुलिस ने पास के ही नाले में लहन को बहा दिया, साथ ही कच्ची शराब बनाने वाली 3 भट्टियों को भी नष्ट कर दिया है। वही तो इधर जाना था। मच्छी का आज बना लेगा पानी है तो कोई बात नहीं ना इसी के साथ अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। SP देहात अनिरुद्ध कुमार ने बताया होली तक ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। होली के मद्देनज़र अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी के दृष्टिगत खादर क्षेत्र में थाना हस्तिनापुर पुलिस लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। कल खादर क्षेत्र में लतीफपुर गांव में इस संबंध में दबिश दी गई और उस दौरान वहां पे लगभग 3 भट्टियों को कच्ची शराब बनाने वाली ये 3 भट्टियों को नष्ट किया गया और लगभग 3000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। एक बड़ी कार्रवाई है और इसी तरीके से होली के दृष्टिगत रख ये कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। सर, क्या ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? हाँ, पूरे खादर क्षेत्र में चूंकि एरिया एक्सेसिबल बहुत कम होता है, अतः ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और जो भी अभियुक्त इसमें आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है, मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं और आगे भी ये कार्रवाई बड़े स्तर पर चलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।